गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो जैसा कि आपको पता है हमारा जो तो टॉपिक है सेल उसका हम फर्स्ट पार्ट करा चुके हैं आज हम इसका सेकंड पार्ट कराएंगे उससे पहले हम आपको बता देते हैं जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देखे फिर सेकंड हम चलो कोई नहीं अब थोड़ा रिविजन कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट का जिस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने आपको क्या कराया था सबसे पहले हमने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर सेल का डायग्राम दिखाया था उसके बाद सेल का इंट्रोडक्शन दिया था सेल डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पार्ट्स जिसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था थोड़ा सा और ट्रांसपोर्टेशन बताया था जिसके अंदर दो टाइप से ट्रांसपोर्टेशन बताया था पैसिव और एक्टिव पैसिव के अंदर बताया था सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सेकंड बताया था एक्टिव प्रोट ट्रांसपोर्ट या फिर प्रोसेस अपना जो टॉपिक है से स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म अब बता दे बताते हैं हम आपको साइटोप्लाज्म क्या होता है आल सेलुलर कंटेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस के बीच में जो सबस्टांस प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म इट हैज टू ब्रॉड डिवाइडेशन हमने इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन किया है साइटोसोल और ऑर्नल्स में अब देख लेते हैं साइटोसोल क्या होता है फ्लूड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज कंटे कंस्टिट्यूट अबाउट फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम जो साइटोसोल है वो फ्लूड है जो उस फिफ्टी फाइव परसेंट टोटल वॉल्यूम को कवर करता है सेल की को इट कंटेंस सेवेंटी फाइव परसेंट टू नाइन्टी फाइव परसेंट वाटर एंड रिमेनिंग आर आयन ग्लूकोज अमीनो एसिड फैटी एसिड प्रोटीन फैट ए टी पी एंड वाटर प्रोडक्ट जो फिफ्टी फाइव परसेंट साइटोसोल था उसके अंदर है सेवेंटी फाइव टू नाइन्टी फाइव परसेंट वाटर होता है आयन होता है ग्लूकोज होता है अमीनो एसिड होता है फैस एसिड होता है प्रोटीन होता है फैट होता है ए टी पी होता है और वाटर प्रोडक्ट्स है प्रोडक्ट है वो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं इट इज़ साइट ऑफ द मैनी केमिकल रिएक्शन लाइक द ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जो साइटोसोल है इसके अंदर ही बहुत सारी हैं जो रिएक्शन होती हैं जिनमें से एक है ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस होता है जैसे जो सेल के अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस आगे है, और और ऑर्गेस में देख लेते हैं ऑर्गेस क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रेक्चुअल सबस्टांस इन ए सेल डेट हैज़ ए स्पेसिफिक सेप एंड परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन जो सेल के अंदर है जो कुछ ऑर्गन्स हैं एक तरह से बोलते हो ऑर्गन या ऑर्गल्स वो प्रेजेंट होते हैं उनका एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन होता है और डिफरेंट टाइप की सेफ होती है लाइक like, कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर अब वो देखते हैं सबसे पहले कौन था देख लेते हैं सेंट्रोजोम राइबोजोम एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम गोल्जी एप्रेटस लाइजोम एंड माइट्रोकॉन्ड्री है जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं अब देख देख लेते हैं जो ऑर्गेनल्स हैं फर्स्ट सेंट्रोजोम सेंट्रोजोम क्या होता है एन ऑर्गेनल नियर द न्यूक्लियस टू इन इट्स सेंटर जो सेंट्रोजोम है वो प्रोजेंट प्रेजेंट होता है नियर न्यूक्लियस के और उसके अंदर होते हैं दो सेंट्रियोल इन इट्स सेंटर उसके सेंटर में दो दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग विटोस द सेंट्रियोल माइग्रेट टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल एंड ईच फॉर्म सेंटर ऑफ द एस्ट टू विच सिप्लिट फाइबर्स आर अटैच्ड। जब मिटोसिस मतलब होता है जब सेल का डिवाइडेशन होता है तो सेंट्रियस होता है वो माइग्रेट यानी के चिपक जाते हैं आउटर पोल पे सेल के पे जो एक दीवार यानी कि दीवार पे चिपक जाते हैं वॉल पे एंड जिसका इसमें एस्टर जो होता है एक तारे लाइक -like, स्ट्रक्चर बनाता है जो जब सेल का मिटोसिस होता है और इसके अंदर जो स्पेशलाइड फाइबर्स आर अटैच और ये फाइबर्स से जो अटैच होता है नेक्स्ट है राइबोसोम। ए सेल और मेड अप बाय द राइबोसोमल आरएनए, जो अपना सेल है वो बनता है राइबोसोम आरएनए, एन ए आर एन द प्रोटीन इनटू इनटू न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस यानी कि जो राइबोसोम में एक तो वो सेल का फॉर्मेशन करता है और जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोस होता है उसके अंदर भी ये एक प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स का सेकंड है राइबोसोम्स आर मेनली सिचुएटेड ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकोलम के सरफेस पर राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस जो राइबोसोम है उस पर ही है जो या फिर उसकी साइट पर ही है जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है सिंथेसिस मतलब कंबिनेशन राइबोसोम्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम फ्रॉम प्रोटीन नीडेड फॉर अदर स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है उसकी जो सरफेस पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है ऑर्नल्स को डिफरेंट टाइप के वर्क करने स्पेशल किसी काम को करने के लिए फ्री राइबोसोम्स फॉर्म प्रोटीन नीडेड फॉर साइटोसोल जो फ्री में जो तैरते रहते हैं रेबोजोम्स उनकी ज़रूरत पड़ती है साइटोसोल को यानी जो प्लाज्मा मेमरी के अंदर का जो पड़े रहता है राइबोसोम उसकी जरूरत पड़ती है किसको साइटोसोल को यानी कि साइटोप्लाज्म को राइबोसोम आल्सो सिचुएटेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया विच सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन जो राइबोसोम है के ऊपर भी होता है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एंड सिंथेसिस करता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का ए सेल ऑर्गेनेल दैट इज पार्ट ऑफ द इंट्रा सेलुलर डाइजेसि सिस्टम जो साइटोसोल है ये इंटरनल है जो ऑगनल है और यह जो सेल का डाइजेशन होता है उसके उसमें हेल्प करता है इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं कैपेबल फॉर द ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड द सम कार्बोहाइड्रेट जो एंजाइम होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वे डाउन करते हैं प्रोटीन का एंड कार्बोहाइड्रेट का लाइजोजॉम एंजाइम कंट्रीब्यूट टू द डाइजेशन ऑफ द पाथवे फेगोसाइटिस बाय ए सेल एंड आल्सो आल्सो टू द डैमेज टिश्यू ये किस किसी का डाइजेस्ट करते हैं एक तो पैथोजेंस होते हैं इसमें फेगोसाइटोस फेगोसाइटिस फेगोसाइटोस बोलते हैं जैसे कि जो जब सेल के सरफेस पे को, कोई कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट होता है वो उसे वो इनहेल कर लेते हैं और उसे डाइजेस्ट करते देते हैं या फिर मार देते हैं और ये जो हमारा टिश्यू है उसको डैमेज होता है हो जाता है उससे भी ये इसका भी ये फेगोसाइटोसाइज कर देते हैं नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकूलम ए कंप्लेक्स नेटवर्क ऑफ द मेमब्रेन मेमब्रेन ट्यूब्यूल्स इन द साइटोप्लाज़ बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है इसका सेप कैसी होती है ट्यूब्स लाइक स्ट्रेचर होती है और ये कहाँ पर इन में इन द साइटोप्लाज्मिक में ही पड़ा हो पढ़ा होता है एक तरह से माने तो बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेल मैम्ब्रेन जो सेल मैमब्रेन है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में पटा रहता है इसकी वॉल के बीच में found in the two form, one form attached with the ribosome is cell granular or rigid endoplasmic reticulum. it is the site of the protein synthesis and protein transportation. ये दो form present होता है, एक तो होता है ये endoplasmic जो reticulum है उताह है, उसकी surface पर, यानि rigid surface, यानि खुद खुदरी surface पर present होता है, और इसका काम क्या होता है? protein का synthesis करना और protein का transportation कराना अनोदर अनोदर फॉर्म डेट इज द फ्री ऑफ द राइबोसोम्स इज कॉल एग एग्रोलुलर बोलते हैं इसे जो कुछ है जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जो वो में फ्री में है फ्री घूमता रहता है एंड वो एग्रोनुलर होता है यानी कि रिजल्ट नहीं होता है और स्मूथ 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 एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुल इट इज द साइट ऑफ द लिपिड एंड स्टोड में कौन कौन सा एस्ट्रोजन एंड सिंथेसिस ये होता है लिपिड का जो है ये सिंथेसिस भी करता है स्टोयड सिंथेसिस करता है नेक्स्ट है गोलजी एपरेटस सॉरी अब देखते हैं गोलजी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं इट इज ए थिन मेम्ब्रेन मेंग्ण, मेम्ब्रेनस सेक लाइक ऑर्गनल प्रेजेंट इन द दलमोस्ट ऑल आल सेल्स जो गोल्जी अपरेटस हो, होता, होता, होता है ये थिन मेम्ब्रेन थिन मेम्ब्रेन इसका स्ट्रक्चर होता है फिर ऑर्गनल होता है ये ये और सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है इट इन इन टू प्रोसेसिंग एंड द पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन ड्यूरिंग ड्यूरिंग देयर ट्रांसपोर्टेशन दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस देखिए जैसे जब जो सेल है वो किल कर देता है बैक्टीरिया या वायरस को तो उसका ब्रोकडाउ ब्रेक डाउन कर देता है या फिर पैकेज जब कोई सेल को जो सिंथेसिस होता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और उसको सिंथेसिस में हेल्प करता है और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और जो सेल से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस उसे बाहर निकालने में हेल्प करता है नेक्स्ट अपना टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है देख लेते हैं एक सेल ऑगनस ऑफ द रॉड और ओवल सेव्ड जीरो पॉइंट फाइव म्यू इन डायमीटर इस सेल का ही ऑनगल होता है रोड सेप के रोड सेप में रोड या ओवल सेप के अंदर जिसका डायमीटर होता है जीरो पॉइंट फाइव मू एम दे कंटेनिंग द एंजाइम फॉर द एरोबिक स्टेज ऑफ द सेल रेस्पिरेशन एंड आर द साइट ऑफ द बोस्ट ए टी इसके अंदर होते हैं डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स किस फॉर्म में एरोबिक के अंदर एंड ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में एंड इसके अंदर जो एटीपी क्या है जो सिंथेसिस होता है एटीपी होती है जो जो बॉडी के अंदर एक तरह से एनर्जी जो प्रेजेंट होती है सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोटीन एनर्जी स्टोर होती है उसे जो स्टोर करता है सेल एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है दे आर लार्जर इन नंबर इन द एक्टिव ऑर्गन्स लाइक द लीवर मसल सेल एंड किडनी जो माइट्रोकॉन्डेरिया जो एक्टिव फॉर्म होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है वो होता है लीवर के अंदर सेल के अंदर और किडनी के अंदर यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में होता है सेल्स के अंदर माइट्रोकॉन्डेरिया कंसिस्ट ऑफ द आउटर माइट्रोक्रियल मैम्ब्रेन एंड इनर माइट्रोकॉन्ट्रियल मेमब्रेन विद इस स्मॉल फ्लूड फील्ड स्पेस बिटवीन दैम जो माइट्रोकॉन्डरिया होता है उसकी जो आउटर माइक्रोकॉन्टोलियर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेमी इनर माइक्रोकॉन्टोलियम मेम्ब्रेन होती है उसके जो इनर होती है उसके अंदर भरा होता है एक फ्लूड स्मॉल फ्लूड फील्ड स्पेस बिटवीन द उसके अंदर भरा होता है इनर माइक्रोकॉन्टोलियल मेम्ब्रेन कंटेंस ए सीरीज ऑफ फोल्ड कॉल्ड माइक्रोकॉन्डल सिस्ट जो माइट्रोकॉन्डल की इनर मेम्ब्रेन होती है इनर अंदर वाली उसके सीधी जो बहुत सारी जो है फोल्ड फोल्ड होता है उसके अंदर उसे हम बोलते हैं माइड्रोकटेरियल सिस्ट बोलते हैं एंड फ्लूड फिल्ड कैविटी इसके अंदर फ्लूड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ऑफ दिस फुल फोल्ड कॉल्ड माइट्रोकटेरियल मैट्रिक्स जो इसके फोल्ड होता है जो कंप्लीट उसे बोलते हैं माइट्रोकटेरियल मैट्रिक्स और इसके अंदर फ्लूड प्रेजेंट होता है इससे अब आ गए माइट्रोकॉन्ड्रियल क्रिस्टियाई एंड माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज द साइट ऑफ द एरोबिक एरोबिक फेज ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन जो माइट्रोकॉन्डरियल क्रिस्टियाई और माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है जो सीरीज में होती है वो यही एक साइट होती है जहाँ पे जो साइट यानी कि पैलेस होता है जहाँ पे जो सेल का है होता है यानी कि ओ टू और ओ टू और सी ओ टू है जो एक्सचेंज होता है नेक्स्ट है माइक्रो हैव देयर ऑन डी एन ए माइक्रो एक स्पेशल डी एन ए होता है डेट इन फ्रॉम द मदर और हमें ये कहाँ से मिलता है हमें ये अपनी माँ से मिलता है ओनली एंड कंटेन थर्टी सेवन जीन्स और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं थर्टी सेवन यानी कि सैंतीस जीन प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट है, Next है न्यूक्लियस एन ओवल सेव्ड सिंगल स्ट्रक्चर विद इन ए सेल डेट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोजोम ये इसका जो न्यूक्लियस है उसका शेप होती है ओवल ओवल सेप ओवल सेव्ड सिंगल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है सिंगल ही होता है एक सेल के अंदर एंड इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है यानी कि क्रोमोजोम है वो प्रजेंट होता है ए ट्रैक्चर लाइक द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नॉन एज द न्यूक्लियर इनवेल्प और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट इन द साइटोप्लाज्म जैसे सेल पे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ही इस पर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेल्प प्रेजेंट होता है जो सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस कंटेंस वन और मोर सीरीज बॉडीज कार्ड न्यूक्लियाई विद प्रोड्यूस राइबोसोम और जो न्यूक्लियस है इसके अंदर है जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं यानी कि जो सबस्ट पड़ा होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियाई एंड जो और वो न्यूक्लियाई और उसे जो प्रोडक्ट करता है यानी कि प्रोडक्शन करता है राइबोसोम यानी राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियस आल्सो कंटेन्स सेल एज हेरिटी यूनिट काल्ड जीन और जो न्यूक्लियस है ये हमें जिसके जीन्स हैं वो हमें अपने माता पिता से प्रेजेंट यानी कि मिलते हैं जीन्स आर सिचुएटेड ऑन द क्रोमोजोम जीन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोजोम्स के सरफेस पर एंड ईच क्रोमोजोम इज ए लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए अलोंग विद अलोंग विद सेवरल प्रोटीन एंड लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के क्रोमोजोम्स के सर्फेस पर एंड सेवरल प्रोटीन बहुत सारे टाइप्स के प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं क्रोमोजम्स की सरफेस पर द कम्प्लेक्स जेनेटिक द कम्प्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन ए सेल और एन ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जीनोम जो कम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है एक सेल के अंदर उसे हम पता लगा सकते हैं जीनोम से भी पता लगा सकते हैं वो जीन जो ऑर्गेस होता है यानी कि न्यूक्लियस होता है उसमें ऑल इंफॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है एक सेल के बारे में नेक्स्ट है। ह्यूमन जीनोम कंटेंस अबाउट थर्टी थाउजेंड जीन्स एक ह्यूमन जीनोम जीन के अंदर कितने थर्टी थाउजेंड जीन्स प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट है नेक्स्ट है अपना न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिया एसिड है वो देख लेते हैं ये क्या होता है ए ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ केमिकल ऑफ द हाई मॉलिकुलर वेट कंस्टिट्यूटिंग ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरिक विच कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिप्लीकेशन ऑफ द सेल एंड द मैनुफेक्चरिंग ऑफ द सेलुलर प्रोटीन जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो भी हाई मोलिकर वेट के अंदर और जो बनता है जो ये न्यूक्लिक एसिड कंस्टिट्यूटिंग ऑफ कार्बन किससे बनता है कार्बन से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से नाइट्रोजन से फॉस्फोरिक फॉस्फोरस से बनता है और ये इसके अंदर इनके अंदर ही यानी कि न्यूक्लियाई एसिड के अंदर ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो ट्रांसपोर्ट होती है जब ये रिप्लिकेशन करते हैं या मैनिफेस्ट मैनिफेस्टिंग इन सेलुलर प्रोटीन और ये सेल प्रोटीन के द्वारा ही दूसरे सेल में चले जाते हैं इट नेक्स्ट है इट इट कार्ड न्यूक्लियाई एसिड बिकॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन टू न्यूक्लियाई इन सेल के अंदर इसे न्यूक्लियाई एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड यानी कि देखा गया देखा गया था न्यूक्ई एक न्यूक्आई न्यूक्लियाई की सेल के अंदर दे हैव ए कम्प्लैक्स स्ट्रक्चर इसका एक कम्प्लीट स्ट्रक्चर होता है फॉर्म्ड और वो बनता है किससे शूगर से फॉस्फोरिक एसिड से एंड और नाइट्रोजन से जो जो न्यूक्लियाई एसिड होता है ये दो टाइप्स का होता है तो हम इसे अब देख लेते हैं कौन कौन सा होता है एक तो होता है राइबो एसिड जिसे बोलते हैं आर एन ए और दूसरा होता है डॉक्सी राइबो एसिड तो देख लेते हैं हम अब जो डी एन ए है वो किस टाइप का होता है ये है डी एन ए का स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप देख रहे हो देख पा रहे होंगे इसके अंदर पेयर्स ऑफ बॉन्ड्स देखिए अब यहाँ पे ये है कंप्लीट डीएनए का जो है स्ट्रैक्चर ऐसा होता है और ये है सुगर फॉस्पिट ब्रेक बैग बोन इसे बैक बोन बोलते हैं ये कंप्लीट डायग्राम है डीएनए का आप तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं आप है जो इसके नोट्स भी बना सकते हैं एज इट इज़ और इसके बारे में अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं और आप हमारा जो आज का जो टीचिंग सेल का जो सेकंड पार्ट यानि कि इंट्रोडक्शन था आपको कैसा लगा इसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपनी अच्छी तरह से स्टडी को जारी रखें चालू रखें हमारे साथ तो आज का टॉपिक है हम यहीं पे एंड करते हैं डीएनए के बारे में आपको अगली क्लास में बताएंगे और और आरएनए के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगले अगली जो है जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम आपको बताएंगे और डीपली एनालिसिस करेंगे तो जय हिंद जय जै भारत जय जवान जय किसान